प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अप्रैल 29 तारीख शनिवार परमेश्वर ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला। कल की आराधना, पवित्र सभाओं को सब परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ तरीके से आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, पिछले रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। अपा धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने जगने का हमें मौका दिया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, आज के दिन अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हम सोचते होंगे कि पिछले दिन संभालने के लिए क्या इतने बार धन्यवाद देना है, ये कुछ भी नहीं है। कितने सारे लोग हैं मेरे प्रिय लोग जो आज का दिन देख नहीं पाए हैं, कितने सारे लोग हैं मेरे प्रिय लोग जो कल रात भर सो नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर की कृपा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हाथ उठाकर। हालेलुया, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। आमेन। कितने लोग हैं जो रोग से जगे हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा है जो हम आरोग्य के साथ जगे हैं, इसलिए हम जितना भी परमेश्वर को धन्यवाद दे वो कम पड़ता है। इसलिए बीच बीच में धन्यवाद देते रहे। परमेश्वर की दया हमेशा की है, उनका प्यार बड़ी है, उनकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हमें लगता होगा कि हमारी किसी खूबी या काबिलियत से नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्यार है, उनका परिपालन है, जिसके कारण हम आशीष को अनुभव करते हैं। हम क्या अपने बच्चों को प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं? नहीं, वो हमें जो उनसे प्यार है उसके कारण हम उनको सुरक्षित रखते हैं या उनका परिपालन करते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम जितने अपने बच्चों से प्यार करते हैं उससे बढ़कर हमारा पिता हमसे प्यार करते हैं, हमें संरक्षण देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद दें। हमारे माता पिता हमारे लिए संभालते, हमारे लिए परिपालन करने से भी बढ़कर, हमसे प्यार करने से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आमेन। आइए वचन और ध्यान देंगे। भजन संहिता, जिसे संगीतकार कहते हैं, इसमें 42 में कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। आमेन। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। और चौथा वचन कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। आमेन। और 11 वचन कहता है, मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आप विश्वास योग्य प्रभु है, आप कभी बदलते नहीं है। आपने जो हमें बुलाया है विश्वास योग्यता के लिए, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। इनकी ज़रूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे, आप अपनी उपस्थिति से इनको भर दे। कोई रोग से अगर पीड़ित है तो प्रभु आप उनको चंगाई दे, पूर्ण स्वास्थ्य और चंगाई आप दे। हालेलुया। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो जो अब नॉर्मल हो गया है वो यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। ब्लड में जो लेवल्स है वो सब यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। कोलेस्ट्रॉल के कारण जो भी परेशानी, कोई भी रोग आई है, वो सब यीशु मसीह के नाम से अभी के अभी चंगाई प्राप्त करे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने जो पूर्ण आरोग्य दिया है। हालेलुया। आर्थिक विषय में जो बाहर से जा रहे हैं प्रभु, आप उनको छुटकारा दे प्रभु, अद्भुत
तरीके से आप उनके आर्थिक विषय में छुटकारा दे। हालेलुया। प्रभु जिनको नौकरी नहीं है, आप अपना हाथ बढ़ाकर पिता उनके लिए रास्ता खोल दे। जो भी भार या किसी भी प्रयास से अगर गुजरते हैं, सबको आप छुटकारा दे रहे। योग्य पिता है आप सर्वशक्तिमान प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही दुनिया भर में हर एक अभिषेक दासों को हम आशीषित करते हैं, उनके साथ आपके हाथ बने रहे, आपकी प्रवृत्ति रहे, अद्भुत तरीके से आप उनको लेके चले। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन, कहीं से भी वो ये संदेश सुनते हैं, वो आपकी उपस्थिति को अनुभव करे। हालेलुया। आपका असाधारण अनुग्रह को अनुभव करने में आप सहायता करें। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की कृपा आप अपने जीवन में अनुभव करें। हालेलुया। मई 2 तारीख को हमारा अब अगला मीटिंग रहेगा। हालेलुया। प्रत्येक रूप से पिछले बुधवार को जो चंगाइयां हमने सुनी, चंगाइयां जो हुई है वो हम सुनेंगे। परमेश्वर जो गवाही जो परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। और अगर आपका कोई बहुत ही जरूरतमंद कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप हमें भेजें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। इब्रानियों की किताब 7:25, उसमें से लिखा है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमेन। तो यहाँ यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि यीशु मसीह पूरा पूरा उद्धार करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो उद्धार या छुटकारा जो देता है वो कुछ समय के लिए या थोड़ा सा नहीं हमें छुटकारा देता है, लेकिन पूरा पूरा छुटकारा, पूरा पूरा उद्धार देता है। तो जाकर कहे मेरा परमेश्वर मेरे लिए पूरा 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 उद्धार करते हैं। अब उद्धार के बारे में या छुटकारा के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ कुछ वचनों को। तो हम देखते हैं भजन संहिता में अगर उसके 34वें अध्याय देखते हैं। हालेलुया। उसका 4वां वचन कहता है, हालेलुया, कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। तो हमें बहुत तरीके के अलग अलग निर्भय होते हैं। मृत्यु का भय होगा या रोग का भय होगा या किसी व्यक्ति से भय होगा, लेकिन वो सबसे वचन जैसे सिखाता है कि किसी भी तरीके का भय मनुष्य के जीवन में हो सकता है, उन सब से परमेश्वर छुटकारा देने योग्य है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके के का भी भय है जो आपको पीड़ा देता है, तो आप अपने हाथों को अपने सर पर रखें। यीशु मसीह के नाम से हर एक भय दूर हो जाए, हर एक डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। आपने उनको आपने समाधान दिया और विश्वास से आपने भरा, उसके लिए धन्यवाद। और फिर अगर हम 17वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो आपके जीवन में अगर किसी भी तरीके की विपत्ति है तो वो परमेश्वर छुटकारा देंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के जीवन में किसी भी तरीके की विपत्तियां है, किसी भी तरह की परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो विपत्तियां दूर हो जाए। हालेलुया। और अगर 19वां वचन देखिए, उसमें लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। हर एक विपत्ति हो या किसी भी तरीके की बुराई हो, उन सब से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। हालेलुया। वो रात का हो या दिन में जो भी है, जो हर एक परेशानियों से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आपने हर एक अनर्थों से छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हर एक दुख से भी आप दूर करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रेरितों की किताब 7:10 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, कि यूसुफ के साथ परमेश्वर थे और उनके हर एक दुखों को दूर किया। हालेलुया। यूसुफ की जो दुख थे वो बहुत ज़्यादा थे, जो क्लेश थे वो बहुत बढ़कर था। उनके खुद के भाइयों ने परेशान किया, भाइयों ने छोड़ दिया और उनको बेच डाला। और पोतीफर के घर पहुँचने के बाद भी वो खुशी के साथ जब वो आगे बढ़ रहा था तो यूसुफ के जीवन में क्या हुआ, जो किया नहीं है वैसी गलती का उसको उनको जो है शिक्षा का अनुभव करना पड़ा और वो जेल में गया। और फिर वहाँ पे भी
सहायता करेंगे, जिसने कहा था किसी ने भी सहायता नहीं की, लेकिन सही समय में परमेश्वर ने उसमें से छुटकारा दिया। ऐसे मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में किसी भी अनुभव के कारण आपको कोई भी बात में क्लेश या किसी भी दुख से आप गुजरते हो, तो आज के दिन आप अपने हाथों को अपने सर पर रखें और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक दुख आपके मन में जो पुरानी जो बात है, या आपके भविष्य को लेके, या आपकी जो पुरानी बातों को लेके जो भी मन में जो घाव आया है, क्लेश है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। जो घाव है, जो दिखते जो किसी को भी पता नहीं, आपके मुंह में यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे, आपके मुंह में रोशनी परमेश्वर का आए, हर एक दुख और दर्द दूर होकर आप खुशी से बढ़ते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं आज के दिन, हर एक चंगाइयां, हर एक छुटकारा जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। एक और बार हर एक जन ये संदेश सुनने वालों को हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें पूरा पूरा उद्धार करता है, पूरा पूरा छुटकारा देता है। तो आपने जो कोई भी विषय में प्रार्थना किया है, वो आपको परमेश्वर ने उसमें पूरा छुटकारा दिया है, हालेलुया। तो अब आप पूछते होंगे कैसे मैं खुशी मनाऊं, तो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें पूर्ण चंगाई दी है, पूर्ण छुटकारा दिया है करके विश्वास करें, विश्वास के साथ घोषणा करें, हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करें, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इसलिए हम घोषणा करें कि ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, हालेलुया, मेरे निकट 1,000 मेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएंगे, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के ये वचनों को हम घोषणा करते हुए हम आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से, हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।